हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ऑल स्मार्ट सपोर्ट चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं यूपीपीसी सखी के बारे में बात करूंगा। देखिए, यूपीपीसी सखी योजना के को लेकर बहुत सारे लोगों में बहुत सारा कन्फ्यूजन है। 50% लोग आज भी नहीं जानते सही से, और जानते भी हैं 50% तो उनमें फ्रेंड्स ये कन्फ्यूजन रहता है कि एक्चुअल में उनको नॉलेज नहीं है। यूपीपीसी सखी है क्या, यूपीपीसी सखी की सैलरी क्या होती है, यूपीपीसी सखी का कार्य क्या होता है, और लोगों में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है यदि हम यूपीपीसी सखी बन जाएँ तो हमारे भविष्य में, हमारे फ्यूचर में हमें क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है, सरकार से हमें क्या लाभ मिलेगा यदि हम यूपीपीसी सखी बन जाए। तो फ्रेंड्स, सारे कन्फ्यूजन का सॉल्यूशन इस वीडियो में लेकर आया हूं, तो शुरू से लास्ट तक बने रहे। वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स लास्ट में सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि फ्रेंड्स यूपीपीसी सखी ग्राम पंचायत से रिलेटेड या फिर फ्रेंड्स कोई भी टेक्निकल नॉलेज है और कटिंग स्टिचिंग फ्रेंड्स हर तरीके की वीडियो इस चैनल पर आपको मिलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। चलिए शुरू करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, 20 मई 2020 को उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मिस्टर योगी आदित्यनाथ ने इस योजना को स्टार्ट किया था। ठीक है फ्रेंड्स, इस योजना का उनका मकसद ये था, उद्देश्य ये था ताकि जो ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं हैं उनको रोजगार मिले, रोजगार के साथ साथ फ्रेंड्स वो आत्मनिर्भर बने और उसके साथ साथ फ्रेंड्स उनको नॉलेज आए। देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी 60-70% लोग ऐसे हैं जिनको बैंकिंग सिस्टम के बारे में नॉलेज नहीं है, विथड्रॉवल स्लिप भरनी नहीं आती, बैंकिंग के छोटे छोटे कार्य नहीं आते, चेक भरना नहीं आता, है ना। लोगों की भाग दौड़ रहती है, गाँव के लोगों की, गाँव ज़्यादातर शहर से दूर होते हैं तो बैंकिंग सिस्टम ज़्यादातर सारा कैरी करता है शहरों में, तो लोगों को आने जाने में प्रॉब्लम्स होती है। तो इन सारी चीजों का सॉल्यूशन लेकर सरकार ने एक आदेश दिया है कि यूपीपीसी सखी की नियुक्ति हर ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत में की जाए। उत्तर प्रदेश के अंदर 640 ग्राम पंचायत में इनकी तैनाती की जाएगी फ्रेंड्स। और इसका काम क्या होता है, सबसे पहले बात कर लेता हूं यूपीपीसी सखी का कार्य क्या होता है। देखिए, यूपीपीसी सखी का कार्य होता है जो भी बैंकिंग लेन देन है वो ईजी कराना गांव के लोगों को बैंकिंग भागदौड़ नहीं करना पड़े। जैसे लोगों को विदड्रॉ करना है, डिपोजिट करना है, तो लोगों बीसी सखी के थ्रू कर सकते हैं। बीसी सखी का कार्य होगा आपसे पैसे ले जाना, डिपॉजिट करना, है ना, आपका जो भी कार्य है उसको बीसी सखी करेगी। अब बीसी सखी का मानदेय कितना होता है, सैलरी कितनी होती है, सब कुछ बताने से पहले मैं बात करूंगा। देखिए, यूपी बीसी सखी क्या करेगी कि जो भी ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कोई प्रॉब्लम है, किसी को विदड्रॉ स्लिप नहीं बननी आ रही, या फिर बैंकिंग का कोई चेक बनाना है, डीडी बनाना है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स है, तो यूपीपीसी सखी करेगी। देखिए, एक संस्था है वो है फ्रेंड्स रूरल एम्प्लॉयमेंट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इंस्टीट्यूट। ये फ्रेंड्स क्या करता है, यूपीपीसी सखी जो होती हैं उनको प्रशिक्षण देती है, 6 दिन का प्रशिक्षण होता है। प्रशिक्षण के बाद में फ्रेंड्स उनको एक प्रमाण पत्र दे दिया जाता है, उस प्रमाण पत्र को ले जाकर फिर वो अपना कार्य में लग जाती हैं यूपीपीसी सखी। इसके साथ साथ फ्रेंड्स उनका कार्य बता दिया जाता है उस प्रशिक्षण में, क्या क्या कार्य है, तो उनको सारी नॉलेज आ जाती है। बैंकिंग के कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जरूरी सॉफ्टवेयर्स, उनकी नॉलेज दे दी जाती है। उनके बैंकिंग थोड़े छोटे मोटे जो भी कार्य होते हैं सारे कार्यों का उनको प्रशिक्षण दे दिया जाता है, तो उनमें इतनी नॉलेज आ जाती है कि गाँव के लोगों की हेल्प कर सके, गाँव के लोगों की बैंकिंग सिस्टम से हेल्प करेंगी। अब मैं बात कर लेता हूँ उनकी सैलरी क्या होती है। इनकी सैलरी फ्रेंड्स मैं बात करूँ तो अब तक जब इसकी शुरुआत हुई थी तब तो ज़्यादा थी, खैर अब मानदेय की बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स, इनको सैलरी नहीं मिलती, इनको मानदेय मिलता है। तो मानदेय फ्रेंड 4,000 रुपये मिलता है इनको, मानदेय कितना मिलता है 4,000 रुपये मिलता है। और फ्रेंड जैसे जैसे ग्रो करेंगे, अब मैं बात करता हूँ, इनको कमीशन भी मिलती है, जैसे बैंकिंग लेन देन जो होता है यूपीपीसी सखी का, जैसे लोगों का द्वारा जो बैंकिंग लेन देन होगा उसमें कमीशन भी मिलती है सैलरी के अलावा, है ना, मानदेय के अलावा इनको कमीशन भी मिलती है। तो कमीशन बहुत सारी हो जाती है, धीरे धीरे आप ग्रो कर सकती है, अपने फ्यूचर में बहुत ब्राइट फ्यूचर हो सकता है और आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आत्मनिर्भर बनेंगी, तो यूपीपीसी सखी आप बन सकती हैं। अच्छा, यूपीपीसी सखी यदि आप बनना चाहती हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं, सारा प्रोसीजर बताऊंगा कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आप एग्जाम देंगे, क्या एग्जाम में आएगा, क्या पूछा जाएगा, क्या नहीं पूछा जाएगा, सब कुछ सारा प्रोसीजर मैं बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी, मिलता हूं नई फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।